दोस्तों, अगर आप भी BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उसके लिए लाया हूँ मैं एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो मैथ से रिलेटेड है। मैथ का टॉपिक पूरा कवर किया गया है। तकरीबन ये 6 से 8 क्वेश्चन है जो लगभग बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा और पूरा डिटेल से आपको समझाऊँगा अभी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आज का ये सीरीज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, खास करके हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले एग्जाम में जितना भी है और ASI स्टेनो के एग्जाम में बार बार ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व क्वेश्चन, अगर आपको इस प्रकार का सवाल है, देखिए एक्स पहला है, एक्स अनुपात वाई, यहाँ एक्स अनुपात वाई 3:4, देन 7x-4y अनुपात 3x+2y कितना होगा। इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन है, इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन रहे, तो डायरेक्ट जो है x जो यहाँ पे देख रहे हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट अप करें और अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 7 है तो 7x का वैल्यू 3 पुट अप कीजिए 3, और -4 है तो 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ये अनुपात हो गया यहाँ 3, ये और अनुपात हो जाएगा कितना, आप यहाँ देख रहे हैं 3 × 3 और +2 × 4 ये हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 7 × 21 और -16 और अनुपात हो जाएगा 9 और +8। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 5:17 इसका आंसर हो जाएगा, ये 5:17। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 8:35 पर, यहाँ देख रहे हैं 8:35 पर एक साथ बजना शुरू होती है, यदि वे क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 18 सेकेंड में बाद दोबारा बजती है, तब वे अगली बार फिर से एक साथ कब कैसे बजेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन रहे घंटी बजने वाला। आप जो है जितने जितने सेकेंड के अंतराल पर घंटी बज रहा है उसका जो है एलसीएम ले लीजिए, जैसे 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम आप यहाँ पे ले लीजिए 12, 15 और 18 सेकेंड, इसका एलसीएम लीजिएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 180 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में सेकेंड आ जाएगा 180 सेकेंड, इस गलत होता है 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद जो है ये दोबारा घंटी बजेगा। तो पहले बज रहा था 8:35 पे, 8:35 बज रहा था, अभी बज जाएगा 8:38 पे बजेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8:38 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख रहे हैं एक छात्र ने एक अंक को 5/3 की जगह 3/5 से गुना किया है, कैलकुलेशन में प्रतिशत इरर क्या है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देखे, 5/3 को उल्टा पुल्टा वाला की मतलब नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे से गुना कर दिया। आप नॉर्मल मान लीजिए, माना कि एक्सप्लेन बता रहा हूँ, माना कि देखिए 5 × 15, 5 × 15, माना कि संख्या जो है, संख्या मान लीजिए आप 15A है, ठीक है। अब देखिए होना कितना चाहिए, 5:3 से गुना होना चाहिए, तो संख्या 15A है तो होना कितना चाहिए, होना चाहिए था 15A × 5/3 इजकल टू हो जाएगा 25A होना चाहिए, और हो कितना गया 3/5 से गुना कर दिया, तो हो कितना गया था, हो गया है, माना 15A मान चुके हम, तो 15A, ठीक है, यहाँ 15A × 3/5, तो 5 × 15 मतलब हो जाएगा 9 हो जाएगा 9A। अभी देखिए अगर इरर से गुना किया तो 9A आया, ओरिजिनल होना चाहिए 25A, इरर कितना हो गया 25A में से 9A घटा दीजिए, हो जाएगा 16A इरर हो जाएगा, तो इरर परसेंटेज कितना हो जाएगा, 16A निकल चुका है, तो 16 मतलब इरर अगुने 100, अब बट्टे माना कितना था संख्या, आप बताइए तो संख्या कितना था 25A, तो कितना हो जाएगा 25 × 100, 4 × 1 कट गया, 16 × 64 मतलब 64% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखिए 1.69 × 0.81 × 1.21 / 0.09 / 0.13, इसको आप 1 सेकेंड में हल कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप दशमलव उड़ा दीजिए, देखिए ये दशमलव उड़ गया, ये दशमलव उड़ गया, क्योंकि दशमलव के आगे सेम अंक ऊपर नीचे है, ठीक है। अभी देखिए 11 हैं 121 हो जाएगा, 13 हैं 169 हो जाएगा,
और यहाँ 9 * 81 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 13 * 9 * 11। आप गुना कर दीजिए, 99 अब मल्टीप्लाई 13, 13 * 117 और 13 * 117 11 हो जाएगा 28, 128 हो जाएगा, 1287 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित ब्याज दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है ये। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा ये हो गया था, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि पी 3 वर्षों में रुपये 625 हो जाता है और 4 वर्षों में 675 हो जाता है, तो ब्याज दर क्या थी। देखिए आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, सी आई बराबर होता है पी इंटू 1 + r/100 / n - p होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है, आप देखिए पहला सी आई 625 रुपया कितने कितने 3 वर्षों के लिए है, तो हो जाएगा 625 बराबर पी, मान लीजिए पी का पी ही मान लीजिए, पी इंटू 1 + r कितना है, आर्थ में ज्ञात ही करना है, आर आर दोनों में बराबर होगा, आर बटे 100 पर पावर कितना हो जाएगा, 100 पर पावर एन हो जाएगा 3, और 605 ये हो गया माइनस पी, माइनस पी ये समीकरण आप फर्स्ट मान लेते हैं, और फिर उसी प्रकार जो है 675 का भी इसी प्रकार हम लिख देते हैं, पी इंटू 1 + r/100 पर पावर 4 माइनस पी, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सेकेंड में फर्स्ट से भाग कर दीजिए या फर्स्ट में सेकेंड से भाग कर दीजिए। ठीक है, भाग करने के बाद आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी से ये हल हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आपको आ जाएगा आप बताएं, गेस कीजिए। आर बराबर इसका आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आर बराबर इसका आंसर हो जाएगा कितना, कोई कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में पक्का मेरे को लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करती है और उस व्यक्ति की गति 10 किलो प्रति घंटा। देखिए ट्रेन वाला जो है ना, अगर ट्रेन ये मान लीजिए ट्रेन चल रहा है और ये व्यक्ति चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आदमी को तो ट्रेन क्रॉस करेगा ही, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा जो है क्या हो जाएगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, दोनों का चाल जुड़ कर एक चाल आ जाएगा, एक चाल बनेगा। ठीक है, मतलब प्रतिरोधक चाल बोलते हैं, मतलब एक दूसरे का जो ये होता है प्रतिरोधक चाल, दोनों का जुड़ जाएगा। और ट्रेन इधर से जा रही ट्रेन, इधर से जा रहा है बंदा, ये जा रहा है पुरुष और ये जा रहा है ट्रेन, तो इसमें से क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब इस चाल में से इस चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब ट्रेन इधर से जा रहा है और बंदा जो है इधर से आ रहा है, तो दोनों का जो है जोड़ होगा, मतलब सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ट्रेन चल रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कौन चल रहा है, आदमी चल रहा है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और देखिए पर किलोमीटर प्रति सेकेंड में समय 12 सेकेंड पार करता है, तो 72 किलो प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बनाइए, तो 72 को 5/18 से गुना होगा, यह आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो 18 * 4 = 72, यह हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अभी देखिए आपको चाल पता लग गया, समय पता लग गया, दूरी निकल जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, देखिए चाल आपको हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और समय हो गया t = 12 सेकेंड, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी भी मीटर में ही बोल रहा है निकालने के लिए, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो 20 * 12 इक्वल टू कितना होगा, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लीजिए, इस प्रकार के त्रिकोणमिति का सवाल जो है पक्का आता ही आता है, अगर इस प्रकार के सवालों को आपको याद कर बनाने के लिए जो है sin 0° का मान कितना होता है वो टेबल याद करना पड़ेगा, मतलब sin 0°, sin 30°, sin 45, sin 90, इसका मान कितना होता है, cos 0, cos 1, cos 90°, cos 45, cos 30°, मतलब ये तो आपको मान याद करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, sin 30° मान के तो sin 0 sin 30° होता है 1/√2। ठीक है, cos 30° का मान कितना होता है, आप इसमें डिग्री का मान बैठाइएगा, सॉल्व करके मेरे को आंसर आप पक्का बताइएगा। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में आपको दो क्वेश्चन दिया हूँ, दोनों पक्का आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपको पता चले कि प्रिपरेशन लेवल आपका कितना है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स क्वेश्चनों का सीरीज मैं लेके आऊँगा, हर एक दिन जो है 5-5, 6-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आए और आसानी से आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें और कंप्लीट मेरिट बना सकें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।